हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। क्या है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है, ज्योमेट्री मीन्स होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ज्योमेट्रिक वर्ड्स आया कहाँ से, ये वर्ड इसे कहाँ से आया। तो देखिए, जो ज्योमेट्रिक वर्ड्स है हमारा, वो हमारा कैसा है, ग्रीक वर्ड। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसे ये क्या हमारा एक ग्रीक वर्ड है। ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है, ज्योमेट्री मीन्स होता है, इसके मीन्स होते हैं जियो। देखिए ये जियो होगा, यहाँ आपने लिख दिया जियो, इसका मीन्स होता है अर्थ। और मीट्री मीन्स क्या होता है, मीट्रन। मीट्रन मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट, मीन्स मापना। क्या करना है, किसको हम मेजरमेंट करते हैं, अर्थ का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट करने के बाद क्या करते हैं, जियो मीन्स क्या हो गया, अर्थ हो गया, और मीट्रन मीन्स क्या हो गया, मेजरमेंट, क्या करना, मापना। तो इस किसके बारे में, ये ज्योमेट्री, क्या ज्योमेट्री क्या होती है, मीनिंग होती है। अब देखिए ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, ढेर सारे शेप, बहुत सारे अपने आसपास अराउंड द सर्किल क्या करते हैं, शेप के बारे में हम देखते हैं। जैसे क्या हुआ, बिल्डिंग्स हो गया, बुक्स हो गया, पेन हो गए, उसके बाद फैन हो गए, कूलर हो गया, और क्या कहें, और मोटरसाइकिल्स हो गए, बाइक्स हो गए। तो क्या करते हैं हम, ये डिफरेंट टाइप्स क्या करते हैं, शेप को देखते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स हो गया या क्यूबॉइड हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप। मतलब कि शेप कैसा होता है, किसी का शेप क्या हुआ, स्क्वायर होगा, कोई हमारा कैसा होगा, इस रेक्टेंगल होगा, कोई हमारा ट्रायंगल्स होगा, कोई लाइंस में होगा, कोई पॉइंट्स में होगा, या कोई फिर क्या होता है, क्यूबॉइड में होगा, या किसी का शेप है कर्व शेप होगा। डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, ये सब शेप हमारे होंगे। देखिए इन्हीं डिफरेंट टाइप शेप्स के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। कुछ ऐसे शेप्स हैं जिनकी हमको क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उनकी हम डिफिनेशन नहीं बता सकते हैं, बट उनको हम क्या करते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए उन्हीं सब डिफिनेशनों के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, उनके बारे में आइडियाज लेंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है पॉइंट। देखिए उसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लिखे गए हैं। तो पहला क्या रहता है, पॉइंट। पॉइंट्स के बाद क्या रहेगा, लाइन। लाइन के बाद क्या जाएगा, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के बाद क्या जाएगा, रे। रे मीन्स क्या होता है, किरण। उसके बाद क्या जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद क्या जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगी, पैरेलल लाइन आ जाएगी। तो ढेर सारे ऐसे क्या है, सेम है, उनके बारे में पढ़ना है और इन सब की मीनिंग के बारे में क्या करना, हमको समझना है। देखिए सबसे पहली बात आती है पॉइंट की। देखिए पॉइंट क्या होता है, पॉइंट मींस क्या होता है, इंडिकेटर। हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे कि कहीं पे भी कोई हम पॉइंट्स को इंडिकेट करना रहेगा, तो इसे क्या शार्प डॉट लगा के क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, दिखा देते हैं कि ये प्लेन में, ये सर्किल पे ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स ए है, बी है, सी है, ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट कर दिया, ये ए है, पॉइंट्स है। या हमने यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये पॉइंट्स हमारा क्या है, ये पॉइंट्स हमारा क्या हो गया, बी हो गया। देखिए इस पॉइंट्स की डिफिनेशन, अब डिफिनेशन क्या होगी, देखिए पॉइंट्स इज द इंडिकेट इन द इंडिकेट्स, इंडिकेट्स क्या करता है, इंडिकेट्स करता है, किसी की वैल्यू को क्या करता है, इंडिकेट करता है। और पॉइंट्स में क्या होती है, डिफिनेशन तो किसकी होती है, ना तो इसमें लेंथ होती है, ना तो इसमें क्या होती है, विड्थ होती है, कॉलोनी क्या होता है, शार्प एज होता है। क्या होता है, शार्प एज, मतलब क्या होता है, इसके पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स को रख देंगे तो ये पॉइंट्स बताता है। उसके बाद देखिए लाइन, लाइन हमारी क्या होती है, लाइन हमारी एंडलेस होती है। लाइन क्या कहते हैं, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे लाइन को हम क्या कर दिए, ऐसे एक्सटेंड कर दिए इधर भी और दोनों तरफ, ये लाइन हमारी कैसे भी बोथ डायरेक्शन में क्या हो गई, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। इस लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हमने दिखा दिया ए बी, ए बी पे ऐसे एरो लगा दिया, एरो मीन्स ये दोनों तरफ एरो है, मीन्स आप किधर ए की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं और बी की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे ए हो गए, ये बी हो गया, ये हमारा क्या करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये लाइन सेगमेंट लाइन का एक क्या होता है, पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है। हम एक लाइन जा रही है, उसी लाइन में से क्या करते हैं, काट दिए, तो पॉइंट हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, लाइन जैसे यहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर दिए, इसका नाम हम क्या रख दिए, पी क्यू रख दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या, इसमें चौथा पॉइंट कहता है रे। रे मीन्स क्या होता है, किरण।
जिससे क्या होता है, लाइट होती है, लाइट का हमारा क्या बिगनिंग पॉइंट होता है, कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हमारा क्या हो गया बल्ब हो गया, बल्ब का भी हमारा क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। देखो कैंडल आप जब जलाते हैं, कैंडल भी जलाते हैं, उसका भी हमारा क्या होता है, वो भी क्या होता है किरण होती है, तो वहां से जो लाइट निकलती है क्या होगा उसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और इसी तरह से क्या कहते हैं, आप घर में दीपक जलाते हैं, दिए जलाते हैं, तो उस दिए का भी क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं रे कहलाते हैं। रे का वन एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब क्या है उनके क्या होते हैं वन एंड ओनली वन डायमेंशन में क्या कर सकती हैं वो ट्रेवल कर सकती हैं। जैसे ये लाइन हो गया, यहां से हो गया, यहां से पॉइंट हो गया, ऐसे ये लाइन इधर पास कर सकती है, ये लाइन इधर भी पास कर सकती है, और ये इधर भी जा सकती है, ऐसे अपवर्ड भी जा सकती है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये जो हमारा पॉइंट्स क्या कहलाएगा रे कहलाएगा। कैसे क्या कहलाएंगे रे, रे के हमारे क्या होते हैं वन इंड्स पॉइंट्स होते हैं। चलिए इन्हीं सब के बारे में हमको क्या करना है पढ़ना है, तो इन्हीं सब के बारे में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। और इसमें ज्योमेट्रिकल मीन्स होते हैं, हम ज्योमेट्रिकल मीन्स में क्या होगा डिफरेंट टाइप्स के शेप एंड साइज के बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे। और शेप हमारा कैसा, ट्रायंगल का भी हो सकता है, स्क्वायर का भी सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, या आपके बुक्स के ऐसे हो सकते हैं, तो ये सब इसके बारे में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, पॉइंट्स के बारे में। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम पॉइंट्स के बारे में, पॉइंट्स क्या होता है। देखिए कह रहा है ए पॉइंट्स हैज पोजीशन ओनली इट हैज नो लेंथ नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। थिकनेस ए पॉइंट इज डिनोटेड बाय डॉट, पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है डॉट से, और इसे किससे लिखा जाता है इसे कैपिटल लेटर से राइट किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमको कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया ए हो गया। जैसे हमने यहाँ पे कोई एक स्क्वायर शेप बनाया, देखिए एक स्क्वायर शेप ऐसे बनाया, ये स्क्वायर शेप यहाँ पे जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट की, ये हमारे क्या बनेंगे पॉइंट्स हो जाएंगे, ये हमारे क्या रहते हैं पॉइंट्स हो जाते हैं। इन पॉइंट्स को हम कैसे ए यहाँ ए लिख दिए, यहाँ पे बी लिख दिए, यहाँ पे सी लिख दिए, यहाँ पे डी, ऐसे ये क्या करते हैं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे क्या यहाँ पे दो लाइन क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो क्या बनाएंगे पॉइंट्स मिले, किस पॉइंट्स पे मिलते हैं उन पॉइंट्स का नाम रख दिया। यहाँ पे हमने पी रख दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया क्यू कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया आर कर दिया। ऐसे ही क्या करते हैं इस प्लेन पे हम क्या करते हैं जहां पे दो लाइन मिलेंगी तो वो हमारे क्या कहलाएंगे इंटरसेक्ट करेंगी, वो क्या कहलाएंगे पॉइंट्स कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या ये डीसी लाइन, ये डीसी लाइन होगी, यहाँ से बीसी लाइन इस पॉइंट में किस पॉइंट पे सी पॉइंट पे, ऐसे यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे डी पॉइंट, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट की इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे, यहाँ पे क्यू पॉइंट पे आर पॉइंट से। तो इस तरह से हम क्या करते हैं पॉइंट को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट हमारा कहीं पे भी प्लेन में ये क्या होते हैं कि ऐसे हम उनको क्या डॉट से क्या कर देंगे ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर मार्कर से ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे और उसका क्या कर देंगे नेमिंग कर देंगे, ए कर देंगे, बी कर देंगे, सी कर देंगे, या फिर आप क्या पेंसिल की शार्पेज से, शार्पेज से क्या करते हैं एक डॉट लगा देते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट के पास क्या होता है ना तो थिकनेस होती है ना तो विड्थ होती है और ना ही क्या होती है लेंथ होती है, तीनों चीजें पॉइंट्स के पास नहीं होती। पॉइंट्स इज इंडिकेट ओनली डॉट, किससे रिप्रेजेंट इंडिकेट किया जाता है ओनली डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब पॉइंट्स के बाद किसके बारे में लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारा लाइंस क्या होता है, लाइन भी हमारी क्या होती है इंडलेस होती है, उसको हम बोथ साइड क्या कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका भी कोई क्या एंडिंग पॉइंट्स नहीं होता है। लाइन हमारी कैसी होती है, वो हमारी जो लाइन क्या होती है उसमें लेंथ तो होती है पर क्या नहीं होता विड्थ नहीं होती है, विड्थ लेस होती है, उसमें विड्थ नहीं होती है और ना ही उसमें क्या होती है हाइट होती है, ओनली क्या होती है लेंथ होती है, उसे हम बोथ डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लाइंस के बारे में डिफिनेशन देखते हैं, पढ़ते हैं लाइन के बारे में। देखिए कह रहा है ए लाइन हैज लेंथ बट नॉट विड्थ एंड नो थिकनेस। क्या कह रहा है लाइन के पास क्या हो रही है लेंथ हो रही है और क्या नहीं है नॉट विड्थ और नॉट थिकनेस। क्या है उसके पास ना तो हमारे पास क्या बट नो विड्थ एंड नो थिकनेस, ना तो इसके पास विड्थ है और ना ही थिकनेस है। अ लाइन इज अनलिमिटेड इन एक्सटेंडेड, लाइन को क्या होता है अनलिमिटेड, उसका एक्सटेंशन का चाहे अब आप क्या कहते हैं अनलिमिटेड है, कोई लिमिटेड नहीं है, या फिर हम उसे कह सकते हैं इट्स एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एंड्स।
उनको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं बिना किसी के बिना किसी एंड पॉइंट्स के। जैसे यहां पे देखिए ये लाइन हमने क्या कर दिया, ऐसे बना दिया। देखिए ये हमारी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन का एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बढ़ाना चाहते हैं तो इधर भी बढ़ा सकते हैं, और आपको इधर भी एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। लाइन को हम क्या करते हैं, ऐसे हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया। और लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए बी हमारा हो गया, ए बी ऐसे हम लिख दे रहे हैं, ए बी पे क्या बना देते हैं, एरो बना देते हैं। इस एरो का मीन्स होता है कि लाइन हम किसके बी के तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं और किधर ए की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लाइन को हम बोथ डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सीधा मीन्स होता है, लाइन मीन्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। लाइन की जब भी बात की जाती है तो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन की बात ही हम करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, लाइन्स क्यों हो गई। अब लाइंस को क्या कहते हैं, लाइंस के बाद क्या आता है, लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इस लाइन का एक क्या होता है, पार्ट होता है। तो चलिए हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ लाइन हूज बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट हमारे क्या होते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइन होते हैं। किसके होते हैं, पार्ट ऑफ लाइन, और इनके जो बोथ साइड्स हैं, बोथ एंड्स पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे यहां यहां पे देख लीजिए, हमने ये क्या कर दिया, एक लाइन को ऐसे क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। इस लाइन का नाम हमने क्या कर दिया, यहां पे पी नाम रख दिया, और ये हमारे नाम क्या हो गए, क्यू हो गए। देखिए ये हमारी लाइन कैसी है, ये हमारी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू जो है किसको एक रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए लाइन का किसका एक पार्ट है, चलिए हम यहां से इतना पार्ट क्या कर दिए, कट कर दिए, इसका नाम लिख दिए क्या, दिए ए लिख दिए, और इसका नाम क्या लिख दिया हमने, बी लिख दिया। तो ए बी जो हमारा क्या हो गया, ए बी जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या करेगा, लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पॉइंट हमारे रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। चलिए अब हम किसके बारे में, रे के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, रे के बारे में। ए स्ट्रेट लाइन जनरेटेड बाई अ पॉइंट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। इट इज डिनोटेड बाई ए बी, ऐसे से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। देखिए रे को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, उसका एक क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ऐसे हम उसे रे को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, रे को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, रे को हम इस ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। रे को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, रे कहलाते हैं। इसका नाम पी रख देते हैं, यहाँ पे क्या रख देते हैं, क्यू रख देते हैं। इसका क्या होता है, वन डायमेंशन। ये क्या होती है, वन डायमेंशन में क्या करती है, मूव करती है, या तो अपवर्ड करेगी, तो डाउनवर्ड करेगी, या जिधर करेगी। जैसे हमारी क्या कैंडल हो गई, कैंडल का जो लाइट निकलती क्या, वो ऑल डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन उसका बिगिनिंग पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट होता है। जैसे यहां से हो गया, ये पॉइंट अप डाउन करेगा, इधर भी बैकवर्ड्स, मतलब हर डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। लाइट देखिए क्या करती है, मूव करती नहीं, लेकिन उसका क्या होता है, वन बिगिनिंग पॉइंट होता है। जैसे हमारी जो क्या लाइट जो आती है, वो किससे है, सन से मिलती है। तो सन से जो लाइट क्या मिलती है, वो ऑल डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। उसका बिगिनिंग पॉइंट क्या हो गया, सन हो गया। इसे स्टार हो गया, स्टार भी क्या करता है, स्टार की जो लाइट होती है क्या, वन डायमेंशन होती है, वो भी हमारी क्या करते हैं, वन डायमेंशन में क्या करती है, मूव करती है। उसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोई भी दो या दो से अधिक पॉइंट जब एक ही लाइन में होंगे तो उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, कहां पे, ये कह रहा है थ्री आर मोर पॉइंट्स, क्या कह रहा है, थ्री आर मोर पॉइंट्स, सॉरी टू नहीं, थ्री आर मोर पॉइंट, थ्री आर मोर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कहने का मीन्स हो गया, तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ऐसे ये लाइन्स है, ये लाइन पे हमने क्या, एक पॉइंट ए लिख दिया, यहाँ पे पॉइंट बी लिख दिया, और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। ये पॉइंट्स कैसे कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। और एक बात आप बता दें, जो हमारी लाइन जो हमारी होती है किससे मिलकर बनी होती है, तो ये लाइन हमारी पॉइंट से मिलकर बनी होती है। लाइन इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट, कितने पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट से लाइन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से कोलिनियर पॉइंट्स मींस क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, ये जो लाइन हमारी क्या कहलाई, कोलिनियर, सॉरी ये जो पॉइंट्स कहलाए, क्या कहलाए, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाए।
अब इसी वक्त नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कह रहा है। देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो क्या होगा, थ्री पॉइंट्स एक प्लेन में मतलब क्या एक लाइन में ना होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। जो कि क्या होंगे इस लाइन पे नहीं लाइज करेंगे उसे क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो चलिए अब हम किसके बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक दो लाइन और हम उसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी, देखिए लाइन कब इंटरसेक्ट करेगी, जब दो लाइन होंगी तब एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर दो लाइन होंगी तो क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, या फिर दो लाइन होंगी तो क्या करेंगी, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगी, मतलब क्या करेंगे, कोइंसाइड द लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या करेगी, टोटली क्या करेगी, उसी पे कोइंसाइड कर जाएगी। तो मींस क्या करेगा, ओवरलैप करेंगे, जैसे ये लाइन है इसी के ऊपर एक लाइन और हम लाइन ड्रा कर दे तो उसे क्या बोलेंगे, कोइंसाइड। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन क्या क्या होती है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो क्या कह रहा है, इफ टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट्स दे लाइन आर सेट टू बी द इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन का अगर एक कॉमन पॉइंट्स आता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनती है, जैसे दो लाइंस हो गई, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये लाइन कैसी कह रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन कह रहा है। इस लाइन का नाम एम, इस लाइन का नाम हमने क्या एम रख दिया। और देखिए और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अगर दो लाइन ऐसे अगर स्ट्रेट में से पास कर जा रही है, सीधा चली जा रही है, तो ये क्या कहलाएंगी, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ऐसी लाइन क्या कहलाएंगी, हमारी पैरेलल लाइन कहलाएंगी। देखिए पैरेलल लाइन, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाएंगी। पैरेलल लाइंस के एग्जांपल आप देखिए, जैसे हमारे क्या होगा, रेलवे का ट्रैक हो गया, देखिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे कभी भी कहीं ज्वाइन करते हैं, नहीं ज्वाइन करते, कैसे चले जाते हैं, पैरेलल चले जाते हैं। आपकी बुक्स हो गई, आपकी जो बुक्स हो गई उसकी दोनों लेंथ क्या हो गई, देखिए पैरेलल होती है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये आपकी मैथ्स की बुक है, देखिए एक पैरेलल लाइन यहाँ पे है और एक पैरेलल लाइन यहाँ पे, ये दोनों लाइन एक दूसरे कभी इंटरसेक्ट करेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाएंगी। लेकिन देखिए एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है, ये हमारी जो किसकी है, बुक्स की जो एज है, इसको क्या बोलते हैं, एक एज बोलते हैं या साइड बोलते हैं, ये हमारी लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई, दोनों जगह कहाँ पे, एक पॉइंट्स पे क्या करते हैं, मिल रहे हैं, इस जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमारा क्या कहलाएगा, वो लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। कब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जब देखिए ऐसी हमारी बुक है, ये लाइंस है, इसी के ऊपर एक लाइन और हम ड्रा कर देंगे तो क्या हो जाएगी हमारी, वो हमारी कोइंसिडेंट लाइन, जैसे उनको हम ड्रा करना चाहें यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। देखिए ऐसी एक लाइन है, इसी के ऊपर एक लाइन हम, ये लाइन L है और इसी के ऊपर एक लाइन और हम M ड्रा कर देते हैं, तो ये हमारी लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। तो देखिए हमने किसके बारे में पढ़ लिया, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ लिया और पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ लिया। चलिए अब इसमें एक और लाइंस के बारे में देखते हैं, कह रहा है कॉन्करेंट लाइंस, कह रहा है थ्री आर मोर लाइन इन अ प्लेन आर पासेस थ्रू अ पॉइंट इस कॉल्ड द कॉन्करेंस लाइन। कह रहा है कि ये प्लेन में किसी एक पॉइंट से कितना, थ्री या इससे ज्यादा अगर लाइन पास करती है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। देखिए अदर डिफिनेशन, थ्री आर मोर लाइंस इन अ प्लेन आर कॉन्करेंट इफ ऑल देम पासेस थ्रू द सेम पॉइंट। अगर क्या है, कोई भी प्लेन में एक ही पॉइंट से क्या है, अगर तीन या उससे अधिक लाइन क्या करती है, पास करती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। देखिए ये, देखिए इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से इससे ज्यादा किससे, दो मतलब तीन लाइन, मतलब दो लाइन से ज्यादा, तीन लाइन से ज्यादा अगर पास करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे। किस पॉइंट से, इस एक पॉइंट से ज्यादा, अगर इस पॉइंट से ज्यादा लाइन पास करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे। तो उसके बाद देखिए क्या बचता है, एक बचता है प्लेन। देखिए ये सब आप कहाँ पे पढ़ते हैं, ये सब कॉन्करेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइंस, पॉइंट और पैरेलल लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स, ये सब किसके कहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए इस सब को पढ़ने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, प्लेन की जरूरत पड़ती है। हम किस पे पढ़ते हैं, प्लेन पे, एक हमारा सरफेस होगा उस पे हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। किसके बारे में, किसके पढ़ते हैं, देखिए ये लाइन आपने कहाँ ड्रा करते हैं, प्लेन पे ड्रा करते हैं। लाइन आप कहाँ पे ड्रा करते हैं, प्लेन पे ड्रा करते हैं।
पॉइंट्स भी किस पे प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्टिंग भी लाइन किसपे प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, रे भी हमारे प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब जितना भी हमने सब पढ़ा वो किस पे पढ़ा, प्लेन पे पढ़ा। तो चलिए अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लेन के बारे में, प्लेन हमारा क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्लेन मीन्स हो गया ये उसका क्या है, सरफेस, उसका बेस कहाँ पे है उसको हम बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेन के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, उस पर ढेर सारे मतलब क्या हो गए, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स आप क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो उसी सब के बारे में, जैसे हमने ये सब फिगर्स के बारे में पढ़े, लाइन एंगल के बारे में पढ़े, उनको किस पे पढ़ेंगे, किस पे पढ़ते हैं, तो हम प्लेन पे पढ़ते हैं। चलिए अब हम प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा प्लेन, देखिए प्लेन को कैसे डिफाइन किया है, द सर्फेस ऑफ स्मूथ वॉल आर द सर्फेस ऑफ ए सीट ऑफ पेपर और द सर्फेस ऑफ ए स्मूथ ब्लैक बोर्ड आर क्लोज एग्जाम्पल ऑफ ए प्लेन। देखिए प्लेन्स के क्या दिए गए हैं, ये सब क्या दिए गए, एग्जाम्पल दिए गए। प्लेन कैसा होगा हमारा, स्मूथ सर्फेस कैसा होगा, वाल का होगा। और कह रहा है कि सर्फेस ऑफ द पेपर कौन सा, पेपर की सीट का हो गया। और जैसे ये हमारा क्या व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड भी हमारा क्या हो गया, ये प्लेन हो गया। कैसा हो गया, ये प्लेन हो गया। जैसे ये हमारी वॉल हो गई, ये भी क्या हो गई, ये हमारा प्लेन सरफेस हो गया। तो कहने का मीन्स हो गया हमारा प्लेन कैसा होगा, प्लेन एज अ शीट पेपर, शीट पेपर की तरह भी हो सकता है, या हमारा ये जो बुक है, ये हमारी जो बुक है, ये भी हमारा कैसा है, ये सरफेस किसका कैसा है, प्लेन सरफेस है। तो प्लेन प्लेन सरफेस क्या है, सब एग्जांपल है, इनको हम कैसे इनको क्या कहते हैं, हम ऐसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम बताते हैं। तो कह रहा है, क्या रहा है, द सर्फेस ऑफ अ स्मूथ वॉल आर सर्फेस ऑफ द सीट ऑफ अ पेपर आर द सर्फेस ऑफ स्मूथ ब्लैक बोर्ड आर क्लोज एग्जाम्पल इन द प्लेन। ये सब किसके हैं, क्लोज एग्जाम्पल किसके हैं, प्लेन के हैं। जैसे इस प्लेन पे हमने क्या ऐसे स्क्वायर बना दिया, ऐसे यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। प्लेन पे ही हमने इस पॉइंट का रिप्रेजेंट कर दिया, इस पॉइंट क्या करते हैं, इस पॉइंट का क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ऐसे प्लेन पे हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, उनको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। प्लेन्स के हमारे एग्जांपल क्या हो गए, हमारे बुक्स हो गए, पेपर हो गए, व्हाइट बोर्ड हो गए, ग्रीन बोर्ड हो गया, वॉल्स हो गए। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्लेन्स होते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने क्या करते हैं, इस चैप्टर ये बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया में हमने सारी डिफिनेशन पढ़ दी। अब सारे डिफिनेशन पढ़ने के बाद क्या करते हैं, एक्सरसाइज 4.1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन इतने पढ़ने के लिए पहले हम क्या करते हैं, अब इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।